उसे 3 साल के अंदर छोड़ दिया जाता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर में उसे भेज दिया जाता है। यानी अगर कोई 17 साल 364 दिन का है और वो 4 रेप करता है तो वो 3 साल में छूट जाए। इससे ये एनकरेज होते हैं, ये जो जुवेनाइल्स होते हैं इनकी हिम्मत बढ़ती है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हम तो 3 साल में छूट जाए। पहली बात तो यह है कि इस कानून को बदलना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी शर्मनाक या हैवानियत की हरकत करते हैं जो कि एडल्ट करता है तो आपको भी एज एन एडल्ट ट्रीट करके आपका केस चलाया जाए उनके साथ, अपनी बीवी अपनी बेटी के साथ। और 2:30 बजे आराम से वो सड़कों पे जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, खुली हवा में घूमते हैं और कोई उनकी तरफ आंख उठाकर देखने वाला नहीं होता। उसका रीजन है वहां के सख्त कानून। सख्त कानून का मतलब यह है कि अगर जुर्म साबित होता है तो सर से धड़ अलग कर दिया जाता है। यही रेप की बलात्कार की सजा है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डेमोक्रेटिक सेटअप में हमारे कुछ लूपहोल्स होते हैं जिसकी वजह से वो बड़ी हो जाते हैं और कई बार शर्म की वजह से बच्चियां कंप्लेन नहीं कर पाती हैं, पुलिस तक पहुंच नहीं पाती हैं और जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, रेपिस होते हैं, उनकी FIR दर्ज नहीं होती है। ये कई बार हुआ है और कई बार जब केस कोर्ट में होता है तो दबाव बनाकर उन्हें अपना बयान बदलने पर मजबूर किया जाता है, उन्हें रिश्वत दी जाती है या उन्हें धमकाया जाता है या उन्हें बहलाया फुसलाया जाता है। यही वजह है कि कन्विक्शन जो हैं रेप के वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो मैं यही कहूंगा कि रेप की सजा मैक्सिमम फांसी और मिनिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट टिल द लास्ट ब्रेथ, उसमें कोई भी लीनियंसी नहीं होनी चाहिए। देखिए ऐसा है कि जिस बच्ची के साथ या जिस औरत के साथ ये घटना घटती है और मेंटली जो वो डैमेज होती है उसकी भरपाई सारी जिंदगी नहीं हो पाती। वो एक कुछ ना करते हुए भी वो बहुत अपने आप को गिल्टी महसूस करती है, अपनी नजरें सारी जिंदगी उसकी झुकी होती है बेगुनाह होने के बावजूद। तो मैं ये कहता हूं कि बच्चियों को जिनके साथ ऐसी हैवानियत होती है उन्हें बिल्कुल पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और हमारा कानून तो यही कहता है कि FIR फौरन दर्ज होनी चाहिए, लेकिन कुछ वजूहात के बिना पर नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं जिसकी वजह से FIR दर्ज या तो होती नहीं है या बहुत वक्त लेती है। तो आज जो हम लोग जमा हुए हैं हमारा मकसद ये है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं और जनता की आवाज के आगे किसी की नहीं चलती है, किसी की टिकती नहीं है। जो एक जनमत हो जाता है वो एक ऐसा तूफान होता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो हम तैयार हैं, हम इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से भी हमें ये जंग लड़नी है हम जरूर लड़ेंगे, क्योंकि हम कलाकार बाद में हैं, सबसे पहले हम भारतवासी हैं। और ना सिर्फ हम भारतवासी हैं बल्कि हम इस मुल्क के एक जिम्मेदार शहरी हैं और उस जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमें लड़ना है। और हमें सिर्फ लड़ना नहीं है बल्कि हमें जीतना है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में शहीद, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में शहीद, वो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच।
और मैं इस मुल्क का नागरिक रदा मुराद बाहोशो हवास ये ऐलान करता हूं कि जब भी मेरी जरूरत पड़े आवाज उठाने के लिए मैं आपके साथ, मैं आपकी संस्था के साथ, मैं तन मन धन से हाजिर हूं और हमेशा रहूं। जय हिंद। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट कैपिटल पनिशमेंट, वी वांट कैपिटल पनिशमेंट। एंड अब मैं चाहूंगी डॉक्टर बोरा से बात, बोरा को ये माइक थमाना, तो शब्द आप बताएं, आपको क्या लगता है सर? First of all, I really appreciate the initiative. हर छोटी मूवमेंट भी बड़ी मूवमेंट बनती है। ऑलरेडी हम नेशनल लेवल पे मूवमेंट्स देख रहे हैं, पर आज की ये मूवमेंट कुछ अनोखी लग रही है, कुछ अलग लग रही है। तो इसका एक मेन कारण यह है कि अब हर फील्ड से आज यहाँ हमारे दोस्त सारे उपस्थित हुए हैं। They all have come here together for a very, very, very important, or I would put it as very vital cause. We all know what it is. हमें abroad के या हम कहते हैं कि हमें globe के कुछ issues solve करने हैं, जी हाँ हम वो जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें अपना देश ठीक करना है। राजा मुराद साहब जी ने बहुत सुंदर सी बातें कही, उसमें मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ये तो इट विल बी ऑल रिपीटेशन, बट एज अ डॉक्टर आई रियली नो व्हाट दिस एगनी इज। हमने काफी पेशेंट इस तरह के देखे हुए हैं और जैसे मुराद साहब ने कहा, उनके केसेस भी रजिस्टर नहीं होते हैं, ना ही वो किसी को बता पाते हैं, बट देन दे ऑल कम टू अस, they talk to us, they cry with us, and we always try to solve their issues in whatever way we can. But now is the time that we all are putting hands together with Jayaji and her team, and I'm here to just settle this, and whatever little help from myself, I'm always ready. Gujarati mein ek sundar si baat kahi jati hai, kadam asthir hoy ene rasto kadhi jadto nahi, કદમ અસ્થિર હોય ને રાષ્ટ્રો કદી જડતો નથી, અને દિલમાં સાચી લગન હોય તો હિમાલય પણ નડતો નથી। તો હમ સબ દિલ મે લગન લેકર આજ એ મૂવમેન્ટ હમ આગે લે જા રહે, હમ આપકે સાથ હૈ, મેં મેરે સાથ ડોક્ટર પાંડે સાહેબ હૈ, મેરે સાથ ડોક્ટર ઉજય જાદવ જી હૈ, હમ સબ સાથ મે હૈ, હમારી પૂરી ટીમ આપકે સાથ રહેગી, વી ઓલવેઝ ટુગેધર, મેડિકલ એસોસિએશન કી તરફ સે ભી જો બન પાયેગા હમ કરેંગે, સિર્ફ હમે યાદ કરે, એન્ડ વી આર ધેર। Thank you so much. I would like Tina ji to say a couple of words, please. Tina ji, thank you. Thank you, Tina ji. I am. मुझे लगता है कि जिस कोर्ट में एक पॉकेट मार का केस होता है, उसी कोर्ट में कुछ और इस तरह के केस होते हैं, चोरी के केस होते हैं, फलाने होते हैं, धमाके होते हैं, उसी में रेप केस भी होता है। तो फाइल को खुलते खुलते ऊपर आते आते बाकी केस बढ़ते बढ़ते सालों साल बीत जाते। इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, जो रेप विक्टिम्स हैं उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट होना चाहिए और उनका मुकदमा सिर्फ वहीं और वहीं पर लड़ना चाहिए, और फास्ट ट्रैक पे वो केस होने चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। जो औरत जिसका रेप किया जाता है उसका अकेली उसका रेप नहीं होता, आप बहुत सारी आत्माओं का, उनके घर वालों का, बहुत सारी लड़कियों का, बहुत सारे दिलों में डर बैठा के आप उन सबका रेप करते हैं। उससे उभरते उभरते उनके परिवारों को समय सालों साल लग जाते हैं। जो बच्ची गई वो तो गई, लेकिन जो बाद में उसका परिवार सफर करता है वो उसका कोई अंत ही नहीं। उसके बाद जैसे हम जैसे लोग हैं, हमको कितना धक्का पहुंचा है सोचो, तो उनके परिवारों को कितना धक्का पहुंचता होगा। तो ये जैसे रजा भाई ने बोला है, FIR तुरंत होनी चाहिए और उल्टे पुल्टे सवाल ना करके सीधी मुद्दे की बात होनी चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए कोर्ट में और उसका फास्ट ट्रैक पे फैसला होना चाहिए। अगर उस आदमी ने उस औरत को तिल तिल करके मारा है तो मैं जरूर ये सरकार से उस
वो सब वो भुगते जो उस लड़की ने भुगता है। जय देखिए यही वजह है कि हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं, ऐसी घिनौनी वारदातें मुल्क के कोने कोने में होती है, तो किसी भी राज्य को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दोष देना जो है ये दोष देने का वक्त नहीं है। ये वक्त है इस हैवानियत को रोकने का। पहली बात तो यह है कि हमारी बच्चियों को जब शिक्षा दी जाती है स्कूल में तो मार्शल आर्ट्स उनके लिए अनिवार्य होना चाहिए, सेल्फ डिफेंस, एंड दे शुड नो कि कहां हिट करना है सामने वाले को पछाड़ने के लिए, उसको बेदम करने के लिए। तो बच्चियों को हर स्कूल में मार्शल आर्ट की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ कानून हमारे मुल्क में है कि अगर कोई माइनर क्राइम करता है तो उसकी सजा बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है, 3 साल के अंदर वो छूट जाता है और उसे ये बात मालूम होती है, इसलिए ऐसी घिनाओं में हरकत करने में उसे कोई संकोच नहीं होता। तो ये रेप का जो केस है, रेप की जो वारदात है, सबसे संगीन वारदात है। तो अगर कोई जुवेनाइल भी करता है, अगर कोई माइनर भी करता है, तो उसमें भी एज एन एडल्ट केस चलाना चाहिए, क्योंकि यह हरकत कोई माइनर नहीं करेगा। उस पर एडल्ट बतौर एडल्ट केस चलाना चाहिए और सजाएं जो हैं इसमें कम से कम सजा इसमें आजीवन कारावास होना चाहिए और मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें फांसी होनी चाहिए, हैंग बाय नेक टिल डेथ, ये सजाएं होनी चाहिए। और कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग, कुछ अमीर लोग उनके बिगड़े हुए बच्चे इसका फायदा उठाकर लड़कियों पर जबरदस्ती करते हैं, वो बेचारी बच्चियां दबाव में आ जाती हैं और लड़के माने आउट ऑफ फियर वो कंप्लेन नहीं करती हैं, तो बहुत से केसेस की कंप्लेन नहीं होती है और कंप्लेन होती है तो FIR नहीं की जाती और फिर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जाती है, उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की जाती है, उनको लुभाने की कोशिश की जाती है,
उनको गहरा फुसला कर खामोश करने की कोशिश की जाती है। तो एफआईआर फौरन दर्ज हो और जो भी एक्यूज है जब तक केस चलता है उसकी बेल नहीं होनी चाहिए। जब बेल होती है तो वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है गवाहों को भी और विक्टिम को भी। तो ऐसे सख्त कानून आना बहुत जरूरी है। जुर्म सहने की और जुर्म करने की एक हद होनी चाहिए। लेकिन हर स्कूल लड़कियों के लिए खासतौर से मार्शल आर्ट जो है वो अनिवार्य होना चाहिए और हर लड़की को अपने पास एक हथियार रखना चाहिए। वो नाइफ हो या वो कोई कोई ऐसी चीज हो जिससे अटैक को प्रिवेंट किया जा सकता है। एक हथियार होना अपने बचाव के लिए, एक बच्ची के पास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप बहुत हो गया है, पानी सर से ऊंचा गुजर गया और ये वारदातें जो हैं ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ एडल्ट बच्चियों के साथ बल्कि 3-4 साल की बच्चियों के साथ भी ऐसी वहशियाना हरकतें हो रही हैं। तो क्या उनके दिल पे गुजरती होगी, क्या उनके माँ बाप के दिल पे गुजरती होगी, वो तो जीते जी मर जाते। तो ये हमारा सुझाव है और ये हम एक मूवमेंट लेकर निकले हैं। जब एक नेक नियति के साथ अच्छी नियत के साथ आप निकलते हैं तो लोग भी आपके साथ हो जाते हैं कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारमा बनता गया। तो कारमा बनेगा, जरूर बनेगा। और जनता की आवाज जो है जनता की शक्ति है और जनता की शक्ति जो है वो एक तूफान है, वो आंधी है जिसे वो रोक नहीं सकते। तो यही मेरा कहना है एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते कि इस लानत को, इस वहशियाने तौर तरीके को हमें हर हालत में बदलना, यही मैं कहना चाहता हूं। जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा है, जिस कोर्ट में चोर का केस हो, जिस कोर्ट में डकैती का केस है और ऐसा सब केस है, उसी कोर्ट में आप रेप का केस रखते हैं, फाइल पे फाइल चढ़ी हुई है, फाइल पे फाइल चढ़ी हुई है, तो वो फाइल खुलने में इतना समय लगता है, कब किसी को न्याय मिलेगा? इसके लिए रेप विक्टिम्स के लिए एक अलग कोर्ट होना चाहिए ताकि सिर्फ वहां पे रेप के ही केस दर्ज होने चाहिए और ये केस फास्ट ट्रैक में शुरू करने चाहिए। क्योंकि जब आप किसी का रेप करते हैं आप उसका शारीरिक हनन ही नहीं करते, उनका उनके साथ जुड़े हुए लोगों का, हम जैसे हजारों लाखों लड़कियों का भी मानसिक रेप करते हैं जो बहुत ही बुरी चीज है। मुझे याद है लखनऊ में मुझे बड़ा सम्मान दिया गया था और मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रेसिडेंट बनाया गया था। लेकिन आज हमारी देश की बेटी जो है पढ़ तो गई लेकिन हम बचा नहीं पाए, इसलिए मैं इस पद से आज आपके सामने तैयार पत्र देता हूं। थैंक यू मैडम। सबसे आपने बोला रेप की बात की है कि रेप हो जाता है, रेप मान लेता है कि मैंने रेप किया है, सारे सबूत मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये हमारे देश की, हमारी पॉलिसी भी है हिंदुस्तान की, मुझे कोई कुछ करने का हक नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि रेपिस्ट को वकील मिलना ही चाहिए जब प्रूव हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है, ये मान के चलता वो व्यक्ति कि मैंने रेप किया, सारी बातें सिद्ध हो चुकी है, लाइव डिटेक्टर करके टेस्ट भी कर दिया आपने, अब काहे को आपको चाहिए वकील, अब क्या बचाना चाहते हो, क्यों उनको छोड़ रहे हो, व्हाई? सभी केसों में ऐसा हुआ है, गलत प्रॉब्लम है ना, जिधर प्रॉब्लम है सिस्टम, इस सिस्टम को ही चेंज करना होगा, बिना चेंज किए कैसे होगा। दीपक जी आप कुछ बोलेंगे?
मेरे ख्याल में सब लोगों ने सब बातें कह दी। मुझे लगता है कि ये एक हमारी फैमिलीज में एक बेसिक डर से पैदा होता है। हम बचपन में अपनी बेटियों को ये सिखाते हैं कि देखो बेटा, ये घर तुम्हारा नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना है। तो जब हम बेटी को उस लेवल पे ये सुरक्षा नहीं दे सकते, तो बाद में हम क्या? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी एक जमाने में रेप नहीं होती है, रेप हमेशा एक डर का हथियार रहा है, डराने का हथियार रहा है, आज से नहीं आदिकाल से, मतलब महाभारत भी इसका गवाह है, रामायण भी इसकी गवाह है। तो मुझे लगता है कि ये एक मानसिक प्रवृत्ति है जिसका निवारण करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारी बातें हो चुकी है, मैं इसे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसके हाँ, लेकिन ये है कि कुछ लोगों को अभी मतलब कि आप मैं नहीं मानता कि हमें नाम नहीं लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए नाम। कैसे बाबा राम रहीम को मतलब फतवा मिल जाती है, हम ये बताइए ना, जबकि तो प्रूव हो चुका है जेल में। वही डर हम लोग मिटा रहे हैं, हमारी सरकार मिटा रही है, मेरी नहीं। उस डर के खिलाफ नहीं लड़ना। आज केरल में बात शुरू हुई, आंध्र में भी शुरू हो गई, बंबई में एक जमाने में हो गई, खत्म भी हो गई। अब कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, कोई पास ही खबर हो गई। ऐसा नहीं है कि यहाँ होता नहीं। तो मुझे लगता है कि अपने आस पास को समझिए, देखिए, मुझे बताइए जिंदगी में सबसे बड़ी जरूरत क्या है जिससे कि हम सांस ले सकें? हाथ खड़ा करके बताइए। सुनने के लिए सिर्फ बताइए, जब तक सुनते रहेंगे तब तक आप सिर्फ सुनने वाले रहेंगे, दर्शक रहेंगे। दर्शक बन बन के ही समस्याएं बढ़ती। 19 साल से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं लड़कियों को। हम सिर्फ लड़कियों को ट्रेनिंग नहीं देते, सिक्के के दोनों पहलू, दोनों साइड देखिए। ये जो रेप्स हैं, ये जो समस्याएं, ये करने वाले कौन है? लड़कियां हैं क्या? तो फिर उनको कौन ट्रेन करे? मेरा बेटा सबसे बड़ा लाडला बेटा, मेरे अग्नि आएगी जब चिता में तो उस पर हंगेगा वो, यूज दिस वर्ड। लेकिन बेटे को महत्व नहीं देते हम, बेटे को हम बहुत इतना ज्यादा महत्व दे देते हैं कि वो 1526 की बात सोचिए और आज कौन सा साल चल रहा है, 2024, लगभग 500 साल पुरानी समस्या है। आप इसको ऐसे खत्म कर देना चाहते हैं कि हमने यहाँ बात की, वहां बात की, यहाँ बत्ती लेकर बिछे, वहां पर लोग आए, उन्होंने रिकॉर्ड किया, अपने अपने चैनल पर डाल दिया, नहीं समस्या का समाधान होगा। रसा भाई ने जो कहा, डॉक्टर साहब ने जो कहा, दीपक जी ने जो कहा, टीना जी ने जो कहा, और भी लोगों ने जो कहा, सब बातें, वो सारी बातें बहुत ही सम्माननीय है, लेकिन हम जमीन से चल ही नहीं रहे। मैं आपको बताता हूँ 1526 की बात, जरा कान को ध्यान से सुनिएगा, दिमाग को थोड़ा सा हिला लीजिए। 1526 में जब मुगल यहाँ आए थे, उसके बाद में असुरक्षा की भावना अधिक हो गई। आपने कहा कि रेप पहले भी होते थे, सही बात, महाभारत और रामायण उसका गवाह है, बिल्कुल सही बात है। नहीं इतना होकर जो भी तरीके होते थे, लड़की को दबाया जाता था, स्त्री को, क्योंकि स्त्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सशक्त स्तंभ है इस समाज का, परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का। और कहा जाता है ना कि कहां है जन्नत, माँ के कदमों के नीचे, ऐसे में थोड़ी कह दिया गया। खुदा ने भी जिसको कह दिया कि इसकी औकात, इसकी रिस्पेक्ट क्या है दुनिया की नजर में। तो मैंने कहा था कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है जीने के लिए? आप जो कलाकार लोग हैं वो भी बताइए, और आप जो लोग हैं वो भी बताइए, जीने के लिए क्या जरूरी है? आप कहेंगे सांस लेना, खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, और क्या जरूरी है? काम करना जरूरी है, और क्या जरूरी है? पढ़ाई करना जरूरी है। आप मुझे बता दीजिए, यहाँ मेरे समय जितने भी लोग हैं, सबके परिवार वाले लोग हैं, हम सब पढ़ लेकर एक एक क्लास चलकर आगे चलकर डॉक्टर बनते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसके बाद इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, और 5-5 साल लगाते हैं उसमें, फिर स्पेशल डिग्रीज करते हैं। आप चाहते हैं कि हम सिर्फ मार्शल आर्ट सीखकर
लड़कियां लड़कों का मुकाबला कर लेंगे। देखिए जो ममिता के साथ में केस हुआ ऐसे केसेस बहुत नहीं होते, जो श्रद्धा के साथ केस हुआ ऐसे केसेस बहुत ज्यादा नहीं होते, जो श्रुति के साथ में केस हुआ गाजियाबाद में ऐसे केसेस बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन ये सबसे खतरनाक केस होते हैं। उन केसेस के बारे में क्या कहेंगे जब स्कूल में जब मैं यहाँ आया आपने मुझे बुलाया था, मैं 20-25 मिनट पहले यहाँ से लड़कियां लड़के जा रहे थे, जिस तरह से वो सड़क पर चल रहे थे, अगर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप यहाँ के प्रिंसिपल को या अपने माता पिता को दिखाएंगे, उनके माता पिता को दिखाएंगे, तो आपको महसूस होगा हम कहाँ कमी कर रहे हैं। उस चीज की तरफ भी तो ध्यान दे दीजिए, हम कहाँ कमी कर रहे हैं उस चीज की तरफ। आप कहते हैं देखिए रजा भाई ने कहा मार्शल आर्ट में से काम कर, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को नहीं बल्कि सबको मैं सालों से सिखा रहा हूँ बिना पैसा लिए सिखा रहा हूँ, और मेरा जो सिखाना है वो स्ट्रीट कॉम्बैट है। आप कभी भी ये कुंग फू कराटे करके कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी का, लड़के पैदाइशी और नेचुरली स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि मैं ये कुछ एक दो बातें करने वाला हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लड़के पैदाइशी उनके हॉर्मोन उनका जो स्ट्रक्चर है उनका जो फ्रेम है उनका जो बॉडी लाइन वो स्ट्रांग है, तो फिजिकली उनसे लड़ने से ज्यादा है दिमाग से उनसे लड़े। वो मौका ना आने दें कि रेप आया, मोहिता की बात नहीं कर रहा मैं, श्रुति की और श्रद्धा की बात नहीं कर रहा मैं, दीगर जितनी भी और लड़कियां ऑल ओवर इंडिया जिनके रेप हुए और मर्डर हुए वो एंटायरली बहुत डिफरेंट केसेस हैं, बहुत ही खतरनाक केसेस हैं। वहां पर जैसे आपने कहा कि जब पता चल गया कि ये हो गया रेप हो गया अदालत में क्या हो गया, तो फिर किसके वकील देना फर्ज खत्म करो कहा, और पब्लिक में आकर रजा भाई ने कहा था कि जिस तरीके से दुबई में या सऊदी अरब या जहां भी इस तरह की कुछ चीजें उसमें आपका मजहब नहीं बदल जाता भाई, उसमें आपका सामाजिक धर्म भी नहीं बदल जाता, बल्कि हिम्मत नहीं होगी किसी की, यहाँ लोग मर्डर करके जाते हैं किसी का और अपने गांव चले जाते हैं, उनको लगता है कि कबूतर तो लगा मेरी यहाँ चढ़ा, मैं किसी को नहीं देख पा रहा तो मुझे भी कोई नहीं देख पा रहा, ऐसा नहीं है। सो इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि एजुकेशन सिस्टम में ही बदलाव की जरूरत है, एजुकेशन सिस्टम में और घर से बदलाव की जरूरत है। बेटे और बेटी को बराबर का हक दीजिए, नहीं है मेरे पास इस तरह 1986 लड़के लड़कियां हैं गरीब झोपड़पट्टी के जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं डिजास्टर मैनेजमेंट फर्स्ट एड एंड किस चीज की स्ट्रीट कॉम्बैट, इट इज नॉट कराटे और कुंग फू, इट इज क्राव मागा, इजराइल से मैं सीख कर आया हूं, वो चीज की मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं जहां बातें मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन वो मौका क्यों आने दिया जाए, वो ट्रेनिंग कौन देगा, वो मैं नहीं वो आप देंगे, घर में मां देंगे, मां ही दे सकती है और उसका सम्मान। अब इससे एक स्त्री को ही अगर हम करते रहे स्त्री 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 पुरुष की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, बात वहां से शुरू हो रहा है जहां पर ध्यान दे ही नहीं रहे। थैंक यू वेरी मच, देयर इज अ लॉट टू से बट समय कम है। जय हिंद माधुरी जी, सब लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है तो मैं इसको और बांध नहीं खींचना चाहती हूँ, लेकिन मुझे याद आया है एक कविता जो कि अंग्रेजी ने लिखा है ग्लोरियस टाइम के वक्त में फेमिनिज्म के बारे में, उसका एक हिस्सा मैं आपको गा के सुना देती हूँ। I am a woman, here we go, in numbers too big to ignore, and I love too much to go back and pretend. Because I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever going to keep me down again. Oh yes, I'm wise, there's wisdom for the pain. Yes, I paid the price, but look how much I've gained. If I have to, I can do anything. I am strong, I am invincible, I am woman. Oh, 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 oh. Thank you. And wonderful, wow, wow. This is the power that is required in every girl and boy rather. And Dr. Gora needs to say something. He's been asking to say something. Mic band hua ja raha hai ye wala. आजकल हम देख रहे हैं जब जुबान बंद होने लगती है
तो आंखें बोलती है। जब आंखें बंद होने लगती है तो धड़कनें बोलने लगती है। जब धड़कनें बंद होने लगती है तो सांसें बोलने लगती है, और जब सांसें बंद होने लगती है तो एक डॉक्टर को बोलना पड़ता है। बस आज वो समय आ रहा है, किसी की धड़कनें बंद है, किसी की आंखें बंद है, किसी की सांसें बंद है, और अब वो समय आ गया है। आज मैं मेरे साथ मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स, साथ में बड़े आर्टिस्ट, साथ में पॉलिटिशियंस, प्रेस एंड वी ऑल आर टुगेदर। हम कदम पर कदम रखकर आज बोलने का समय आ गया, हम बोल रहे हैं, और ये मूवमेंट हम यूं ही आगे बढ़ाना बढ़ाते जाएंगे। हमें इसे कहीं भी ठंडा होने नहीं देना है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ, ऐश्वर्या आल्सो आफ्टर दैट, देन हमारी सीसी की केका
कि एवरीवन विल कम फॉरवर्ड, हम लोग एंडिंग एकदम एक अच्छे से, अगर आप लोगों को किसी को और लाइक जया बहुत कुछ बोल चुकी है तो शायद आप यही कहना चाहती हो कि प्रण ले कि सब शुरुआत करें, अब वो टाइम निकल गया है कि सोचेंगे तो लेट्स ऑल स्टार्ट फ्रॉम टुडे फ्रॉम दिस मोमेंट बस थैंक यू सो मच इंटरप्रेटर्स एनक्लेव हमेशा आपके साथ है थैंक यू सो मच बस अभी एक सवाल